मैं जोरदार तालियां डोमिसाइल बेस्ट पाकिस्तानी ने बनाओ बेचारे वाल्मीकि समाज है इंदे त्रैने बने सारे जिंदगी सारी जरूरत पहचान की बचाओ और जिन्हें लोग अपनी पहचान ने बहुत बहुत स्वागत और मैं चौधरी कि बीजेपी वालों के भाषण लोगों को खूब जचे हैं बस एक ही राहत की बात है कि विदेशों से काला धन आने में मात्र 50 दिन बचे हैं हम तो डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी वाले हैं हमने तो हर सरकार से डंडे खाने हैं चौधरी लाल सिंह ने सड़कों पर और पार्लियामेंट पे यह पूछने के लिए मोर्चे संभाले हैं कि बताइए मोदी जी अच्छे दिन कब आने वाले हैं क्या बात दल बनाने से बात चली थी 56 इंच का सीना दिखाने से बात चली थी ना खाने से ना खिलाने से कहा कि वो 100 दिन में काले धन की बात पिछले 4 साल से देश की जनता सुन रेडियो पर सुन रही है सिर्फ मन की बात कि मोदी जी अब तो आपके ऑफिस से मेन्यू बनकर आता है कि हम क्या खाने वाले हैं और हम क्या पहनने वाले हैं मोदी जी अगले 5-6 महीने में आप जम्मू में से जाने वाले हैं कृपया जाते जाते ही जम्मू को बता दीजिए अच्छे दिन कब आने वाले हैं मेरे बड़े भरा चौधरी लाल सिंह जी ये मेरे बड़े भरा नहीं है इंदा वे बच्चा जी है और सारे इत्थे बैठे ठाकर कंत सिंह जी साढ़े बुजुर्ग लेखा गौतम स्वामी जी बहुत वधिया और लोकें की अच्छी राय देने वाले स्वामी गौतम स्वामी त्रिलोक जी साढ़े बड़े भरा कन्ने कुड़म इंदे कन्ने बैठे थे कांडला साहब हीरानगर तो आए थे जसरोटिया साहब जतिंदर सिंह पप्पू मेरा भरा ठाकर करतार सिंह जी ये भी साढ़े बड़े भरा मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों और मेरी माता भैन सब तो पहले मैं अपनी माता भैन का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे आने पर तुम बड़े खुश होए और मैं तुम्हें दिखिए बहुत खुश होया सुनाना कि अगर मैं प्रेजिडेंट बनना ना ये सब थोड़ी लोगों की दुआएं करने बनना नहीं तो चांस ही कोई नहीं होता सारे आते इन्हें कुत्थों बनना कियां बनना ये सब तुहाड़ियां दुआवां होंदियां और पता नहीं लगता माता राणी के चक्कर चलांदी ने मैं प्रेजिडेंट बनाई है कोई सारिया गल्लां सुनदे हो और मैं तुसें ही गल आखदा कि माणकल तलाह दे लोग भुली सकते हैं लेकिन मैं नहीं कभी भुलिया अगर कोई 2009 दे विच 25-30 लाख रुपया अगर मैं लाया है MP लैंड का चौधरी साहब की शायद पता हो या नहीं पता हो है, और मैं थोड़े माणके तला दे विच ही लाया हले कि कोई साड़ा मैंबर शैंबर की गल नहीं और उसके बाद लाया अज जड़िया गलियां पक्कियां पक्कियां दिखा दो ये सारिया उसने मैं बनाइया अज भी तुसें मैं गल आखा वार्ड मैंबर की चाहे BJP का है चाहे कुछ का भी है मैं प्रेजिडेंट है वह वार्ड मैंबर मेरा है वह वार्ड मैंबर मेरा उदा काम है कि थोड़े काम मेरे को नहीं आना तो मेरा काम है थोड़े काम करना मैं कभी भी जिंदगी ना नहीं करगा कभी भी जिंदगी ना नहीं करगा क्योंकि कठुआ साड़ा है असीं कठुए दे प्रेजिडेंट हैं अगर असीं कठुए का काम नहीं करगे जिद्दबाजी रखगे असीं सोचिए कि BJP का है ये कांग्रेस का है ये किसी होर पार्टी का है मेरे दिमाग च कभी ऐसी गल नहीं आ मेरे वास्ते सारे 21 दे 21 वार्ड बराबर तो फौज भर्ती हो 4 साल नौकरी 6 महीने ट्रेनिंग ते 4 साल उसे नौकरी करिए घरे वापस है तो उम्र होनी उसे 21-22 साल है रिश्तेदारे पूछना की करता याद है रिटायर हो पर फौज उसे नहीं मिला पेंशन नहीं मिला
दस बारह लाख रुपया उस बच्चे ही लभना जेड़ा कठोना उस दस बारह लाख कने अज के जमाने त्रै चार कमरे नहीं बनते बड़ाई दिखो हालत यह बनी जी। और जो सीमेंट का हाल है जेड़ा रेत बजरी का हालत है तोड़ी रेत बजरी तोड़े दरिया अज थोड़े बच्चे ट्राली ले नहीं जाई सकते पुत्र। बाहर लोग टिप्पर डंपर बड़े बड़े ट्रक सारा माल लखनपुर के पार जा रहा लेकिन तुसे नहीं मिलना थोड़ी खड्डा थोड़ी नहीं रही थोड़े दरिया थोड़े नहीं रहे थोड़े बच्चे जिन्हें ट्रैक्टर का लोन कर्जा लेदा वह बच्चे खजलवा दिस पोजिशन नेचर रिसोर्स ही नहीं आखते वह थोड़े खत्म हुई है। एक गल याद रखियो जेने लोग जिस इलाके च जमे पले हो उन्हें चीजें का अधिकार होंगे उनका उदे पर अधिकार होंगे। मैं तलाना कि सारी मैं गलाना सारे बच्चे की मेरी पार्टी गलांदी कोई भी इंटरव्यू अच्छा दे है सरकार उदे कोला फार्म भरने के पैसे नहीं लैग फार्म के पैसे नहीं लैग फ्री फार्म हो जो चौधरी लाल सिंह की गवर्नमेंट बने जो तुम बना के ता नहीं बना के तुहाडी मर्जी क्वेश्चन यह है अस आखना चाह रहे हैं जिले उस बच्चे ने फार्म भरना उदा मां प्यो सारे टैक्स दिंदा चाहे वह मुलाजिम है चाहे दुकानदार है चाहे मजदूर है चाहे किसान है वह सारे टैक्स दिंदा जो चीज खरीदा तो बच्चे पर किस गल के पैसे फार्म दे बच्चा किस गल के टैक्स दे है? मैं गलाना अगर सरकार सारी बनती अस अपने बच्चे की पढ़े लिखे बच्चे की जब तक नौकरी नहीं मिले तब तक उसी बेरोजगारी भत्ता मिलेगा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा। दिस इज वेरी क्लियर सरकार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है राइट टू वर्क लोगों का हक है राइट टू वर्क काम का अधिकार। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आता है कि किसी और काम नहीं है तो सरकार की निंदा की है ना कि उस घर की निंदा की है उन्हें पढ़ाया बच्चा उन्हें बच्चे की एजुकेशन दी लड़कियां पोस्ट ग्रेजुएशन की और बीएड की और सारे स्कूल निक्के स्कूल जड़े है प्राइमरी सारे स्कूल ही उन्हें मिडिल स्कूल कने क्लब करी उड़िया कम से कम 20,000 टीचर क्लब होया 20,000 पोस्ट हुण तुहाडी कई साल नहीं लगनी कई साल बच्चे की नौकरी नहीं मिलनी जिहड़ा पोस्ट ग्रेजुएशन फॉर ओनली फॉर एजुकेशन टीचर वास्ते कीती दी है। क्वेश्चन यह सरकार किस किस्म की प्लानिंग करा दी है त्रै महीने के ला दे कुड़ेगी एक कठुए हॉस्पिटल च के लगाए पैरामेडिकल स्टाफ नर्स स्टाफ नर्स लैबोरेटरी असिस्टेंट है उदे अंदर ब्लड बैंक का असिस्टेंट वह जो लगने ने ट्रेंड बच्चे उन्हें त्रो महीने तीन महीने नौकरी है लाने तो फेड़े महीने लोगों का एक सरकार चला दे पे बाकी दिन फिर यह मेडिकल कॉलेज बंद रहना अगर मेडिकल कॉलेज पक्का इटा पक्या सब कुछ पक्का नौकरी कच्ची क्यों भाई बच्चे की और ये पेशेंट है चाहे मां है प्यो है बच्चा उदा बेचारे का क्या इंतजाम हो सकता अगर अंदर स्टाफ ही नहीं है तो स्टाफ नहीं होने का कारण क्या है नलाकी प्लानिंग नहीं है मिस प्लानिंग त्रै महीने की क्या नौकरी है चार साल की नौकरी फौज की और त्रै महीने की नौकरी की पैरामेडिकल स्टाफ की टीचर भी आ जाने हूँ लाने नहीं है बोलते लगने वो भी छो महीने पर लगने हूँ काम और कुछ इंद्र वादा नहीं है फेल हो चुके हैं बड़ी डिवेलपमेंट हो रही है क्या बात है इन्नी डिवेलपमेंट है छड़ी सड़क का काम लगेगा जी छड़ा सफेदा बड़े मैं लाया छड़े फुल बड़े मैं लाए थे यू नोट करो मैं तुसे पूछना चाहना इस सड़क का अज के जरूरत थी भला जाओ जम्मू कठुआ कोई तंगी नहीं है अजय चार साल सड़क नहीं भी बनती दस साल लेकिन जो सड़क बाकी जिथे नहीं है अज लो इमलार चाओ छे घंटे जंदे लगते छे घंटे आते लगते सड़क च इस करिए जगह इस करिए नहीं और सड़क बनिया अच्छिया क्योंकि उत्थे टूरिस्ट जाई सकता है बढ़िया प्लेस टूरिस्ट प्लेस वेरी गुड प्लेसिस जम्मू के अंदर ने खूबसूरत प्लेसिस ने टूरिज्म दे मैं कहना जदू सरकार असी बना के सारे को बड़ी प्रायोरिटी असं टूरिज्म की देगे इतने टूरिज्म की देगे
कोई इंडस्ट्री इंडस्ट्री इतने इंडस्ट्री ला दे। अगर इंडस्ट्री वाला किसान जमीन रखी सकता 100 करोड़ ज्यादा को ज्यादा, लेकिन इंडस्ट्री वाला जमीन 2000 करोड़ खरीदी ला, 800 करोड़ खरीदी ला, 2500 करोड़ खरीदी ला, उदे पर कोई जमीन का करोड़ नहीं। और जरा अलबाह अलबाह जिदा पेशा है जिद जमीन कने प्यार है वह बंदा जमीन 100 करोड़ गल बात नहीं हो सकती है। और कश्मीर वाले अपने इलाके की तरह बाग बाग की कोई लिमिट नहीं, 1000 करोड़ का बाग हो, 1200 करोड़ का बाग हो, देयर इज नो लिमिट। लेकिन जम्मू के किसान दे जमीन की लिमिट उन्हें भी रगड़िया ए भी रगड़ना है। जेड़े लोगों को सरकारी जमीन ही है, सारे को सरकारी जमीन है, कोई ऐसा किसान नहीं जो सरकारी जमीन नहीं है, 2 कराल है, 4 कराल है, 10 कराल है, कई रोटी उठे है। और जमीन जी है और सरकार ने थोड़ी पैदा की थी है, और जमीन जी वजीर साहब चली है, कुछ दी रही कुछ क्लेम को बाहर निकली, लेकिन जमीन तो लोगों की ही ना। अगर उस ग्रां के लोगों जमीन पाई ली तो जुलम के कर लिया, आज के करा दे उनकी जमीन जी है उनदिया गरदौरिया कट्टी उड़ी, एक मिनट लाया इंतकाल कट्टी उड़े, एक मिनट लाया लोगों की जमीन सजे जा रही है। और दूआ कानून एक और आई है, कोई भी जमीन जी एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड जिसे धान लगे थे, कणक लगी थी, फसल लगी थी, और जमीन तुम बंजर कराई सकते, कानून बनी आ एग्रीकल्चर लैंड की कन्वर्ट करो कहने च बंजर च, बंजर जमीन की लोग अच्छी जमीन बनाते हैं, एक कानून आया कि अच्छी जमीन की गलत जमीन बना दो ताकि लोगों की अथों जमीन ही चली आ। ये बड़ी बड़ी प्लानिंग है, इसके लिए जिन्नी जल्दी सरकार चली आ और जिन्नी जल्दी थोड़ी सरकार बनी आ बच गए नेरे नहत्ते खाली हुई है, पूरा पाक थली मली लिया, पूरी मेरथा मली ली, पूरा लगेण मली लिया, पूरा बुद्धि मली ली, बुरार मली लिया, गाटी मली ली। जो चेक करो टोटल इंडस्ट्री 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 सारी जमीने पर कब्जा हुई है। और तुसे लपड़ा नहीं थे बोर्ड बनाने का अधिकार अस कुदा जेड़ा उन्हें भी बोर्ड उदा भी बन गई जिसे को मकान नहीं है, है उदा की पता लगना, है उदा पता इं लगना, फिर मैं 4 दिन पता करना सुता कुछ हाँ, ये सड़क में सुता हाँ, जम्मू कश्मीर की सड़क में सुता, इधर भी बोर्ड बनाए मैं थोड़े तो